दोस्तों, इंडोनेशिया के आइलैंड्स आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं और इसके कारण आइलैंड पर मौजूद कई बड़े प्राचीन साइट्स के बारे में हमें नहीं पता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर चलिए सुम्बा आइलैंड पर मौजूद आनाकलांग की मेगालिथिक साइट को देख लेते हैं। ये आइलैंड मेगालिथिक टोम्ब में कवर्ड है, लेकिन वहां आनाकलांग सभी साइट्स में से सबसे अधिक विचित्र हैं। इसके कई मॉन्यूमेंट्स के किनारे पर किए गए अनयूजुअल कार्विंग्स के लिए ये जाना जाता है। अगर कार्विंग्स का कोई मतलब होगा तो हम कभी इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। वैज्ञानिक इस बात को पता लगा पाने में सक्षम नहीं है कि ये साइट कितना पुराना है, जिसके चलते यहाँ पर और अधिक रहस्य जुड़ जाते हैं। जबकि कब्र का स्टाइल और कॉम्प्लेक्सिटी यही सजेस्ट करते हैं कि वे पोस्ट न्योलिथिक के हैं, हालांकि हम सिर्फ इतना ही बता पाने में सक्षम हैं। अगर यहाँ के मानव अवशेषों पर रेडियो कार्बन टेस्ट हुआ तो ये पहली सुलझ सकती हैं, लेकिन इस तरह का कोई टेस्ट नहीं किया गया है। आनाकलांग लोग आज भी आइलैंड पर रहते हैं और उनका राजा टूरिस्ट्स को अपने इतिहास का ओरल वर्षन बताकर खुश होते हैं। वेल, कॉम्प्लेक्स एंशियंट साइट्स की बात कर ही रहे हैं तो चलिए इंडिया में मौजूद एक कॉम्प्लेक्स साइट की बात कर लेते हैं। ये है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। कॉम्प्लेक्स के भीतर अनगिनत इम्पोर्टेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे कि दिल्ली का प्रसिद्ध आयरन पिलर जो कभी जंग नहीं खाता। वेल, साइट पर सबसे ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट है विक्ट्री टावर, जो एक रिलीजियस आइकन है। आपको बता दें कि टावर को बनने के लिए करीब 200 साल लग गए और ये 1368 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। कुछ सदियों से ये रूलर्स के लिए एक ट्रेडिशन था, जिनका उस इलाके पर अपना कंट्रोल था। यहाँ तक कि ब्रिटिश राज के दौरान कुछ बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाए। खैर, आयरन पिलर और विक्ट्री टावर के अलावा अन्य स्ट्रक्चर्स भी काफी फेमस हैं, जैसे अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। अब पूरा कॉम्प्लेक्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज को बिलोंग करता है, जिसका काम इस तरह के मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन और रिस्टोर करना है। दोस्तों, आर्ची साथे ट्रेजर इसका नाम इसलिए ये रखा गया है क्योंकि साल 1900 में ये नॉर्दर्न इटली में आर्ची साथे शहर के पास पाया गया था। ये हाई क्वालिटी रोमन सिल्वर का जमाखोरी है और इसे अपने समय के सबसे बेस्ट डिस्कवरीज में से एक कंसिडर किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने आप में एक कम्प्लीट सेट और अद्भुत क्राफ्ट्समैनशिप है। लगभग 2100 साल पुराना होने के बावजूद ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस खजाने को किसने ढूंढा, उसका नाम इतिहास में तो दर्ज नहीं है, लेकिन जिसने इसे ढूंढा था उसने इस खजाने को एडोल्फ रोजर नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया और उसने तुरंत ब्रिटिश म्यूजियम को बेच दिया, जिसके बाद इस खजाने को लंदन में म्यूजियम के अंदर प्रदर्शनी के रूप में रखा गया है। इस जमाखोरी में 5 सॉलिड सिल्वर के ऑब्जेक्ट हैं, एक जग, एक स्ट्रेनर यानी छलनी, एक लैडल यानी करछुल, एक स्पैचुला और एक कप, जबकि ये शायद एक टी सर्विस की तरह दिखता है। सेट को शराब मिलाने और परोसने दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। वहीं जग के निचले हिस्से पर बनाया गया इंस्क्रिप्शन पर बताता है कि ये कभी जूलिया को बिलोंग करता था, जो टाइटस की बेटी थी, लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास में ना ही उसके और ना ही उसके पिता के बारे में कोई जानकारी है। वीडियो में आगे बढ़े तो 1000 से अधिक वर्षों तक पेरू में पचाकमक साउथ अमेरिका के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजियस कॉम्प्लेक्स में से एक था। आज शायद ही आप इस बात पर विश्वास करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये साइट पचाकमक नाम का सुझाव देता है, यानी कि मेकर ऑफ द अर्थ। उसे आग बनाने वाला और भूकंप का देवता भी कहा जाता था। प्राचीन पेरू के देवता के रूप में पचाकमक एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरी सदी के अंत में एक बस्ती ढूंढी गई थी जहां पचाकमक के मंदिर भी थे, जो प्राचीन लोगों को भविष्यवाणी करने में मदद करते थे।
सातवीं सदी तक ये स्ट्रिक्टली एक रिलीजियस सेंटर था, लेकिन मिड सेवेंथ सेंचुरी में वॉरी कल्चर आने के बाद ये फुल सिटी में बदल गया। वॉरी सोसाइटी के समाप्त होने के बाद 12वीं सदी के शुरुआत में इच्छमा कल्चर ने साइट को और अधिक बढ़ाया। 1470 तक पचकमक काफी फेमस था, यहां तक कि इच्छमा भी इसे रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे जब उन्होंने इस रीजन पर जीत हासिल किया। उन्होंने इच्छमा स्टेट रिलीजन में देवता की पूजा करने के लिए अनुमति दिया, जो उन्होंने किसी अन्य इलाके में नहीं किया। आखिरकार पचकमक को 1533 के शुरुआत में स्पैनिश के आने के बाद नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, ईरान में द नक्श ए रुस्तम कॉम्प्लेक्स एक ऐसी जगह है जिसने कई प्राचीन रहस्यों को अपने अंदर समाए हुए हैं, लेकिन वहां पर कुछ बिल्डिंग्स ही काबा ये जारतोश्त जितनी दिलचस्प है, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यूब ऑफ ज़ोरोएस्टर के रूप में होता है, लेकिन असल में ये प्रिजन ऑफ सोलोमन का रेप्लिका है जो एंशिएंट एंडेमिक एम्पायर का पहला कैपिटल था। लेजेंड का मानना है कि एक बार स्ट्रक्चर में आग लग गई जो फिर कभी नहीं बुझी, और उस आग ने अन्य छोटे छोटे आग को जन्म दिया, जिसकी वजह से अंदर ज़ोरोएस्ट्रियन मंदिर जलकर राख हो गया। हालांकि काबा ये जारतोश्त के वेंटिलेशन ना होने की वजह से इनहैबिटेंट द्वारा आग को बुझाया भी नहीं जा सका। ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल राजा डेरियस द सेकंड के सामने खड़े हैं, जिसने 2400 साल पहले शासन किया था, इसलिए शायद उनके बीच कोई कनेक्शन हो, लेकिन कनेक्शन था ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जानना बहुत मुश्किल है कि हेरोडियम क्या है, या फिर इसे देखकर ही पता लगाया जा सकता है। इस प्राचीन किला के अवशेष जो वेस्ट बैंक के हिस्से में फैले हुए हैं, देखने पर ज्वालामुखी के मुहाने में सीधे कार्व्ड किए गए लगते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि किला एक महल के रूप में सर्व करता था, जो लगभग 40 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था और जिसे बिब्लिकल फिगर राजा हेरोड द्वारा स्थापित किया गया था। राजा के सैनिक उस इलाके में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और वो अपना पोजीशन कंसोलिडेट करना चाह रहा था। राजा ने किला का नाम अपने नाम पर रखा और 4 टावर कासल बनाने का आदेश दिया। जब रोमन इस इलाके में आए तो उन्हें किला बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको तबाह कर दिया। हमारे अगले आर्टिफैक्ट के लिए 2 नाम है, द लेडी ऑफ रॉक एंड द मास्क ऑफ वॉर्कर। ये काफी शानदार स्कल्पचर हैं। साइंटिफिक टेस्टिंग से ये कंफर्म किया गया है कि मुखौटा 5100 साल पुराना है, जो इसे ह्यूमन फेस का सबसे अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाता है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मुखौटा नैना को रिप्रेजेंट करता है, जो लव और पावर की मेसोपोटामियन देवी है। हालांकि सिर्फ मास्क आज के समय एग्जिस्ट करता है और इसकी संभावना है कि इसे एक बड़े से लकड़ी पर लगाया गया था। खैर, श्योरिटी के साथ इस बात को कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि मुखौटे का काम काफी सिंपल है। हम लकी हैं कि मुखौटा आज भी एग्जिस्ट करता है। साल 2003 में यूएस ने इराक में इन्वेड किया और वहां से इस मुखौटे को अपने साथ लेकर आया। अब इसे इराक के नेशनल म्यूजियम में एक कलेक्शन के रूप में रखा गया है। संभावना यह है कि इसे एक मुखौटे के रूप में कभी नहीं बनाया गया होगा, जबकि शायद इसे आंख और पुतलियों को दिखाने के लिए बनाया गया होगा। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, अब हम विंचेस्टर होर्ड के बारे में जानने के लिए इंग्लैंड का सफर कर लेते हैं, जिसे 21वीं सदी का पहला ग्रेट ब्रिटिश आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के रूप में देखा जाता है। ये लेट 2000 में विंचेस्टर के मैदान में मेटल डिटेक्टोरिस्ट केविन हॉल्स द्वारा ढूंढा गया था। हकीकत में आयरन एज का ये गोल्ड आर्टिफैक्ट्स किसी भी सदी में एक शानदार डिस्कवरी होगी, चाहे ये सदी के शुरुआत में क्यों ना हो। इसका वैल्यू बहुत है, क्योंकि इसमें गोल्ड का कॉन्टेंट हाई है, लेकिन ये डिस्कवरी मिस्ट्री के साथ आती हैं। जी हाँ, दरअसल जहां पर डिस्कवरी हुआ वह खेती की जगह थी,
और उसके आसपास ना तो किसी प्राचीन मंदिर और ना ही किसी बस्ती के निशान मिले। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्शन दूर के सिविलाइजेशन से लाया गया और इस जगह पर दफना दिया गया। जिसने भी इसे दफनाया होगा, शायद उसने ये सोचकर दफनाया होगा कि ये कलेक्शन किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस आर्टिफैक्ट पर लैटिन में डिजाइन किया गया है जो 2000 साल पहले पॉपुलर हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि इस कलेक्शन का टोटल वैल्यू $500,000 के करीब है। दोस्तों, हिमालय को हजारों लोगों द्वारा स्पिरिचुअल जगह के रूप में कंसिडर किया जाता है, जिसमें एक और रहस्य जोड़े तो ये हिमालयन टावर्स का घर भी है, जिसे स्टार शेप टावर भी कहा जाता है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ उनके अजीब आर्किटेक्चरल स्टाइल की वजह से। करीब 100 फीट ऊंचा खड़े इस टावर को लेकर लेजेंड का कहना है कि इन टावरों को गिराया नहीं जा सकता, यहां तक कि भूकंप द्वारा भी नहीं। उनका निर्माण शैली सदियों पुराना है। कार्बन डेटिंग से उनकी उम्र का अनुमान लगाया गया तो वो लगभग 500 साल से लेकर 1800 साल के बीच में है। जैसा कि वे अक्सर प्राचीन गांव के बीच में पाए जाते हैं, तो एक थ्योरी बताती है कि टावर्स को उन परिवारों द्वारा बनाया गया था जो उस समय उन गांव पर राज करते थे। हालांकि ये शायद एक पॉसिबल मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उन लोगों ने उस तरह के स्टार शेप और 100 फीट ऊंचा टावर वो भी 1800 साल पहले कैसे बनाया। वैसे तो टैबलेट कंप्यूटर रिलेटिवली रीसेंट इन्वेंशन है और हम आज उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। शायद आप इस वीडियो को भी टैबलेट पर ही देख रहे होंगे। इस आइडिया का ओरिजिन हाल से बहुत दूर है। आप ये कह सकते हैं कि ये प्राचीन वुडन नोटबुक्स बाइजेंटाइन एम्पायर के रिलिक्स हैं, जो साल 2014 में येनी कैपी तुर्की में पाया गया था। ये 1200 साल पहले आईपैड्स के इक्विवेलेंट थे। ये वेल प्रिजर्व्ड एग्जाम्पल थियोडोसियस पोर्ट के एक शिपरेक के भीतर मिला था और हो सकता है कि ये जहाज के कैप्टन का पर्सनल था। जब बॉक्स को ओपन किया गया तो उसमें से टैबलेट निकला, जिसमें वैक्स का इस्तेमाल करके नोट्स बनाए गए थे। कहा जाता है कि इस टैबलेट का इस्तेमाल कैप्टन नोट्स लिखने और कैलकुलेशन करने के लिए करता था। वैसे क्या ये आपको कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस की तरह नहीं लगता? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।